नमस्कार साथियों, आज है 14 मार्च। तो 14 मार्च के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पांचवी बोर्ड परीक्षा पर संशय, 13 लाख स्टूडेंट्स कर रहे इंतजार, बोर्ड परीक्षा होगी या होगी होम पर या घर पर एग्जाम, पिछली बार की तरह बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट की संभावना है। नेक्स्ट है JEE 2021 यूनिक परीक्षार्थियों की संख्या से तय होगी एडवांस कट ऑफ। नेक्स्ट 8वीं परीक्षा के लिए 25 तक आप कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, शाला दर्पण पर इसकी प्रक्रिया शुरू हो रखी है। कांस्टेबल सामान्य और चालक भर्ती परीक्षा का परिणाम वो घोषित कर दिया गया है। कोटा के पंचायत सहायकों का जयपुर महाआंदोलन में कूच। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों ने दिया एक दिन का धरना। रीट परीक्षा की तिथि महावीर जयंती पर रखने से जैन समाज में आक्रोश, समाज के लोगों ने 21 मार्च से सामूहिक अवकाश धरना प्रदर्शन की दे दी है चेतावनी। RS मुख्य परीक्षा 2018 के साक्षात्कार 22 मार्च से होंगे। रेसा का अनिश्चितकालीन धरना जारी। नौकरी दो या डिग्री वापिस लो की तर्ज पर NSUI ने किया संसद का घेराव। अनुकंपा पर लगने वालों ने दी परीक्षा। स्कूली परीक्षाओं को लेकर असमंजस बरकरार, विद्यार्थी अभिभावक कर रहे हैं परीक्षा के टाइम टेबल का इंतजार, सोमवार को हो सकती है घोषणा। नीट 2021 परीक्षा तारीख का ऐलान, इस बार 11 भाषाओं में होगी इम्तिहान। और FSNL भर्ती 2021 मैनेजर के विभिन्न पदों पर भर्ती, स्कूल स्तर पर ही होगी 6ठी और 7वीं की परीक्षाएँ, 9वीं और 11वीं क्लास के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कक्षा 6 से 7 में 40 और कक्षा 9 और 11 में 80 नंबर के होंगे प्रश्न पत्र। फिर नेक्स्ट है बेरोजगारों रोज 2000 रुपये कमाने का मौका दे रही है सरकार, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे ऐसे मैसेज के झांसे में ना आए। दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। RS बटालियन व GRP परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सभी जिलों का परिणाम कर दिया जारी। 12.41 लाख ने दी थी परीक्षा। आज के समाचार यहीं से होते। वीडियो पसंद